सबसे पहले आप सब लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं, बिहार की समस्त जनता को, देशवासियों को दीपावली की मेरी शुभकामनाएं हैं। दीपावली की शुभकामनाएं देने के लिए ही मैं महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलने गया था। 14 तारीख को कैबिनेट की बैठक होगी और विधानसभा के विघटन की सिफारिश हम लोग करेंगे और उसके पश्चात नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त होगा और 14 तारीख को ही आफ्टरनून में महागठबंधन के विधायक दल की बैठक होगी, सभी विधायकों की बैठक होगी। उसके बाद आगे सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया जाएगा और तिथि का निर्धारण होगा कि कब नई सरकार गठित होगी। देखिए, जिस प्रकार से बिहार में चुनाव अभियान बीजेपी की तरफ से चलाया गया तो उनके हाई स्टिक्स थे और दूसरी बात है कि उनका कैंपेन भी बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल था। तो ऐसी परिस्थिति में जब विपरीत परिणाम आते हैं तो स्वाभाविक है कि उसके बाद इलेक्शन के बाद एक उस प्रकार का वातावरण बनता है। अगर इसको सहज ढंग से और सामान्य ढंग से भारतीय जनता पार्टी लेती इस चुनाव को कि किसी भी एक राज्य का चुनाव है, सब लोग लगते और सहज ढंग से लेते तो वो भिन्न परिस्थिति थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्होंने लिया और जिस तरह के बयान दिए गए तो मैं उन चीजों के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करता हूं क्योंकि 8 तारीख को ही मैंने अपनी राय प्रकट कर दी और जब जनता ने विशाल मैंडेट दे दिया तो उसको विनम्रतापूर्वक स्वीकार करते हुए हमने एक बात कह दी कि मैं विपक्ष का सम्मान करूंगा, उनके सहयोग का आकांक्षी रहूंगा और बिहार के विकास में सबका सहयोग जरूरी है और मिलकर काम करेंगे। ये बात हमने कह दी है। कभी भी अगर जीत मिले तो उसमें कोई बहुत ज्यादा मन में कोई जिसको कहते हैं कि ऐसा भाव कि जीत गए और उसकी खुशी में बौड़ा जाइए, यह मेरा स्वभाव नहीं है। जनता ने हम लोगों को मैंडेट दिया, हम लोगों को इतना समर्थन दिया कि जबरदस्त जीत हुई तो इसके लिए जनता बधाई की पात्र है। भाजपा के अंदर जो कुछ भी हो रहा है यह तो उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरी समझ से चूंकि कैंपेन बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल था तो इलेक्शन के बाद जो परिस्थितियां उत्पन्न होगी उसमें बीजेपी में जरूर डिबेट ज्यादा होगा।